नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा जिससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए तो हम ब्रिटानिया इंडस्ट्री के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है baseindia.com से। तो ये है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्री का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी का जो ऑपरेशन है उससे कितना रेवेन्यू आया है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, ये है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2629 करोड़। अगर हम इसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब जो हमारा क्वार्टर है, हमारा मार्च क्वार्टर 2019 का, तो उससे देख सकते हैं कि हमारा ये लगभग फ्लैट रहा है, मतलब थोड़ा सा कम है 2 करोड़। मतलब ये देखते हैं 29 है, यहाँ 31 है और सारा चीज़ सेम है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो ये है 2691 करोड़, और फ्रॉम देखते हैं मार्च क्वार्टर 19 में था 2668 करोड़। तो इसे मतलब हमारा इस तरह से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज़ किया है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हमारा यहाँ पर टोटल इनकम भी देख सकते हैं आप, टोटल इनकम जो है 2767 करोड़ है, और जो कि हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस आप यहां पर देख रहे हैं 2726 करोड़ था पिछले साल। तो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस ये इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिक्रीज है, स्लाइटली डिक्रीज। अब हम टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स की बात करें तो है 445 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो अधिक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें थोड़ा सा कम है। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, जिसे हम हमेशा देखते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स देखते हैं 381 करोड़ है हमारा स्टैंड अलोन रिजल्ट में। और ये हमारा देख लीजिए कि जो हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस है काफ़ी ज़्यादा है, 289 करोड़ था देखते हैं पिछले साल सेम मतलब क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर के कंपेयर में भी देखेंगे तो काफ़ी अधिक है। तो इस तरह से जो हमारा रिजल्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का काफ़ी बेहतरीन है, रिजल्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो अब हम अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, जो हमारा EPS है, EPS कैसा है तो 15.85 देखते हैं, 15.85 रुपीज़ हमारा अर्निंग पर शेयर है, जो कि पिछले क्वार्टर कंपेयर में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो और काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं 12 रुपीज़ था हमारा मार्च क्वार्टर 2019 में, इस बार हो चुका है हमारा अप्रॉक्स 16 के आसपास। तो देखते हैं अप्रॉक्स मतलब 3.80 रुपीज़ के अप्रॉक्स ये हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो समझ सकते हैं इतना ज़्यादा का इंक्रीज़ है हमारा अर्निंग पर शेयर में। तो निश्चित है कि आपको शेयर प्राइस जो है उसमें भी मूवमेंटम देखने मिल सकता है। तो चलिए हम शेयर प्राइस को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके लेवल्स और टारगेट की भी बात करेंगे, क्या लेवल्स और टारगेट आगे हो सकता है। तो ये होता है अच्छे शेयर की निशानी, देखते हैं लगातार जो प्रॉफिट इस लॉकडाउन में, मतलब इस पैंडमिक सिचुएशन में भी प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ किया है। तो अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, तो हमारा जो वन डे का चार्ट है देखते हैं, आज हमारा रिजल्ट आने वाला था तो 16 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिला, ऐसे भी मार्केट भी आज अप था, 5 डे देखिएगा 5 डे में भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 1 मंथ इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ देखिएगा तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो पैंडमिक सिचुएशन है जिसके कारण पूरा स्टॉक मार्केट क्रेश हुआ था, तो ये स्टॉक में भी करेक्शन देखने मिला था, लेकिन उसके बाद ये तेज़ी से रिकवर किया अपना प्राइस। तो समझ सकते हैं कितना तेज़ रिकवरी था इसमें। फिर वन ईयर में देखिएगा तो वन ईयर में बहुत ही कम
मतलब इसमें वृद्धि हुआ है, मतलब बहुत ही कम देख सकते हैं मोमेंटम इसमें देखने मिला है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम ईयर की बात करते हैं तो समझ सकते हैं मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं चार्ट कितना बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर इसका रिटर्न देखेगा तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 5000% का रिटर्न। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक बेहतरीन स्टॉक्स है और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लगता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इसमें जैसे करेक्शन आता है तो आप नीचे के प्राइस पे अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, और जैसे जैसे इसमें क्योंकि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, अगर मार्केट में लगातार तेज़ी बनी रहती है तो निश्चित है इस स्टॉक में भी आपको मोमेंटम देखने मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है निश्चित है इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, तो आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना करें क्योंकि देख सकते हैं कई बार ब्रिटानिया इंडस्ट्री में भी गिरावट देखने मिला है, तो जैसे इसमें गिरावट आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका अभी यही होना चाहिए कि अभी वेट एंड वॉच करें, थोड़ा मार्केट की सिचुएशन को देखें कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना सकते हैं SIP मोड में, मतलब स्टॉक में SIP करना है। जैसे इसमें 3000 का लेवल आया तो एक स्टॉक बाय कर लिए, 2500 के लेवल पाया तो 2-4-5 स्टॉक जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उस रेशियो में बढ़ाइए, फिर उससे कम प्राइस पे अगर आ गया मतलब 2500 से नीचे आ गया तो आपको फिर जितना प्रपोर्शन में चाहते उतना बाइंग करें इसमें, लेकिन ये तभी उतने करेक्शन पे मिलेगा जब मार्केट हमारा करेक्ट होता है, नहीं तो आपको ये स्टॉक्स जो है 3000 से नीचे मिलना मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो तो शेयर कीजिएगा ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।